वेलकम बैक गाइस, आज के वीडियो में हम सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और हमेशा की तरह इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रेशियोज और प्राइस के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड में कंपनी और इंडस्ट्री से रिलेटेड करंट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड एक गुजरात बेस्ड फॉसेट बाथवेयर एंड सैनिटरी वेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 1960 में मिस्टर विक्रम सोमानी ने मधुसूदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की। तब ये वनस्पति ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग करते थे। फिर 1980 में कंपनी ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए सैनिटरी वेयर सेगमेंट में एंटर किया और अपने सैनिटरी वेयर डिवीजन की स्थापना की और कंपनी को सैनिटरी वेयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने का लाइसेंस मिला। कंपनी ने अपने इस प्लांट के सारे फर्नेसेस में नेचुरल गैस का यूज करने का डिसाइड किया, जो कि इको फ्रेंडली भी था और सस्ता भी। इस वजह से कंपनी ने अपने प्लांट को एक मेजर ऑयल फील्ड के पास सेटअप किया ताकि उन्हें नेचुरल गैस इजीली और चीप रेट्स पे मिल सके। ये प्लांट नेचुरल गैस यूज करने वाला इंडिया का पहला प्लांट था और प्रेजेंटली ये इंडिया का लार्जेस्ट सैनिटरी वेयर प्लांट है। 1995 में कंपनी ने विंड एंड सोलार एनर्जी से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन स्टार्ट किया। फिर 17 जुलाई 1998 को सैनिटरी वेयर डिवीजन का फॉर्मल इनकॉर्पोरेशन हुआ और ये एक कॉर्पोरेट एंटिटी बन गई। 2001 में मधुसूदन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने सैनिटरी वेयर डिवीजन को डिमर्ज किया और गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका नाम मधुसूदन ऑयल्स एंड फैट्स लिमिटेड रखा गया। फिर नवंबर 2002 में कंपनी का नाम मधुसूदन ऑयल्स एंड फैट्स लिमिटेड से चेंज करके सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड कर दिया गया। इसके बाद सेरा ने इंडस्ट्री में अपना रेप्यूटेबल ब्रांड नेम बनाया और कंपनी काफी अच्छे पेस से ग्रो होने लगी और 2008 में कंपनी ने इटली के रोंडीन ग्रुप के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप किया और रोंडीन ग्रुप के प्रीमियम डिजाइनर इटालियन टाइल्स का इंडिया में मार्केटिंग एंड सेल्स करने लगी। 2002 से 2012 के बीच कंपनी का सेल्स 9 गुना बढ़ा और कंपनी का प्रॉफिट 7 गुना हो गया। इसके बाद 2015 में सेरा सैनिटरी वेयर ने आंध्र प्रदेश के अंजलि टाइल्स के साथ जॉइंट वेंचर किया और अप्रैल 2016 से विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। फिर 2017 में सेरा ने जॉइंट वेंचर में पैककार्ट पैकेजिंग कंपनी इस्टेब्लिश किया, जहां कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस का निर्माण किया जाने लगा। इन बॉक्सेस का यूज सेरा अपने प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग के लिए करती है। फिर 2018 में कंपनी ने गुजरात के मोरबी में मिलो टाइल्स के साथ जॉइंट वेंचर किया और हाई एंड ग्लेज्ड विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स का प्रोडक्शन करने लगी और 2018 में ही सेरा सैनिटरी वेयर ने अपने सब्सिडरी रेस पॉलीमर आर्ट्स की स्थापना की और सीट कवर, सिस्टर्न, फिटिंग्स और पॉलीप्रोपिलीन के दूसरे पॉलीमर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया। प्रेजेंटली सेरा सैनिटरी वेयर इंडिया की लार्जेस्ट सैनिटरी वेयर कंपनी है और कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स हैं सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, टाइल्स, किचन सिंक्स एंड मिरर्स। इसके अलावा कंपनी एडहेसिव्स, शॉवर रूम्स, बाथ टब्स एंड प्रेशर पंप्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। सेरा के ब्रांड्स की बात करें तो सेरा के मेन ब्रांड्स हैं इस्विया, जो कि इटालियन लग्जरी सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट रेंज है। इस्विया एक इटालियन ब्रांड है और सेरा सैनिटरी वेयर के पास इस ब्रांड का इंडिया में मार्केटिंग एंड सेल्स का एक्सक्लूसिव राइट्स है। सेरा खुद लग्जरी सैनिटरी वेयर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, इसलिए इस सेगमेंट के कस्टमर्स को ये इस्विया के थ्रू केटर करती है। सेरा का सेकेंड ब्रांड है सेनेटर। ये सेरा का खुद का ब्रांड है और कंपनी इसमें हाई एंड प्रीमियम सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का मेन ब्रांड है सेरा। इस ब्रांड नेम के अंडर कंपनी अफोर्डेबल से लेकर प्रीमियम रेंज तक के सैनिटरी वेयर्स का प्रोडक्शन करती है और ये कंपनी का मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड है। नेक्स्ट ब्रांड है जीत। इसमें कंपनी अफोर्डेबल सेगमेंट सैनिटरी वेयर्स का प्रोडक्शन करती है। इन ब्रांड्स के अलावा कंपनी सेनेटर क्यूकिन ब्रांड नेम के अंडर मॉड्यूलर किचन सेगमेंट में इटली के सेनेटर क्यूकिन किचन का इंडिया में मार्केटिंग एंड सेल्स भी करती है। कंपनी के तीन प्लांट्स हैं, जिनमें से मेन प्लांट गुजरात के काडी डिस्ट्रिक्ट मेहसाना में है और टाइल्स का एक प्लांट गुजरात के मोरबी और एक आंध्र प्रदेश के गुडूर में है। इसके अलावा कंपनी का इंडिया के 9 लोकेशंस में स्टाइल स्टूडियोज भी है, जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करती है और कस्टमर्स पर्सनली इन प्रोडक्ट्स को टच एंड फील कर सकते हैं। कंपनी का मेन प्लांट जो कि काडी में है, वो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है
और इस प्लांट में सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स और पॉलीमर प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। सेरा के सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट प्लांट का 90% एनर्जी नीड्स विंड एंड सोलार एनर्जी से पूरा होता है। 1995 में कंपनी ने विंड एंड सोलार एनर्जी से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन स्टार्ट किया था। उसका प्रेजेंट पावर जनरेशन कैपेसिटी 10.325 मेगावाट का है और कंपनी का गुजरात के 5 लोकेशंस में विंड फार्म्स भी है। सेरा सैनिटरी वेयर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है और इनके 2800 से ज्यादा डीलर्स हैं और 11,000 से ज्यादा रिटेलर्स हैं। अब कंपनी के मैनेजमेंट टीम की बात करें तो सेरा सैनिटरी वेयर के फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर विक्रम सोमानी एंड वाइस चेयरपर्सन है मिसेस दीप शिखा खेतान, जो कि मिस्टर विक्रम सोमानी की सुपुत्री है। एंड प्रेजेंटली कंपनी में 2500 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो इसका 52 वीक हाई है 3015 रुपीस और इसका 52 वीक लो है अराउंड 2000 रुपीस। प्रेजेंटली ये 2200 के आसपास ट्रेड कर रही है और इसका मार्केट कैप है तकरीबन 2850 करोड़ और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका बुक वैल्यू है 595 रुपीस और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5 से ज्यादा का है। स्टॉक का पी रेशियो अप्रोक्स 24 का है जबकि इंडस्ट्री पी 30 का है। 2015 के बाद से सेरा 30 से ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ही ट्रेड करती आई है। कंपनी का आरओई 17.5% का है और आरओसीई 27% है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा है। बट लास्ट कुछ इयर्स से सेरा का आरओई और आरओसीई थोड़ा कम हुआ है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल है और कंपनी का डिविडेंड यील्ड अप्रोक्स 0.5% है। कंपनी पिछले कई सालों से रेगुलरली डिविडेंड दे रही है और रीसेंट डिविडेंड फरवरी में डिक्लेयर किया गया है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की तकरीबन 54.5% की हिस्सेदारी है और प्रमोटर होल्डिंग में कुछ भी प्लेज नहीं है। प्रमोटर्स के अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का कंपनी में 14.25%, म्यूचुअल फंड्स का 10% और बॉडीज कॉर्पोरेट का 4.6% होल्डिंग है और HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेरा सैनिटरी वेयर के 3.6% शेयर्स होल्ड करते हैं। इसके अलावा 9.25% होल्डिंग छोटे रिटेल निवेशकों के पास है और अप्रोक्स 3% शेयर्स बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं, जिनमें से मोस्ट नोटेबल इन्वेस्टर हैं मिस्टर विजय केडिया, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं। अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो Q-on-Q बेसिस पे सेल्स 8% डाउन रहा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% डाउन रहा, बट YOY बेसिस पे सेल्स 29% डाउन रहा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 34% डाउन रहा। फिर अदर इनकम ऐड करने और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q-on-Q बेसिस पे 5% डाउन रहा और YOY बेसिस पे 40% डाउन रहा। मार्च क्वार्टर में कंपनी को डिफर्ड टैक्स के वजह से टैक्स रिबेट मिला और इस वजह से नेट प्रॉफिट 2 करोड़ बढ़ गया और 38 करोड़ हो गया। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट 10 करोड़ अप रहा और YOY बेसिस पे नेट प्रॉफिट फ्लैट रहा। ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट खराब है और सिर्फ टैक्स रिबेट की वजह से नेट प्रॉफिट अप लग रहा है। अब एनुअल रिजल्ट की बात करें तो यहां लास्ट में TTM दिया हुआ है और क्योंकि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है इसलिए हम इसे ही फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का एनुअल रिजल्ट मानेंगे और इसे ही एनालाइज करेंगे। एनुअल बेसिस पे सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों ही लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउन रहा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21% डाउन रहा। यहाँ टैक्स कॉलम ब्लैंक है बट सेरा ने इस फाइनेंशियल ईयर में डिफर्ड टैक्स के वजह से सिर्फ 18% का टैक्स पे किया, जिस वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ लग रहा है। बट इन रियलिटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेवल पे सेरा 2017 लेवल से भी नीचे है। ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस एनुअल बेसिस पे भी खराब हुआ है। अब कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो सेरा सैनिटरी वेयर का रिजर्व पोजीशन काफी अच्छा है और ये स्टार्टिंग से ही कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। प्रेजेंटली कंपनी के पास 766 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी का बोरोइंग लास्ट ईयर की अपेक्षा इंक्रीज हुआ है बट 3000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए ये डेट नेग्लिजिबल है। सेरा के 350 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं
और 262 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं। ओवरऑल कंपनी का बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और इस स्ट्रांग बैलेंस शीट के वजह से ही प्रॉफिट लेवल पे कंपनी के खराब परफॉर्मेंस के बाद भी मैंने इस कंपनी को एनालाइज करने का डिसीजन लिया। अब कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्च के मंथ में सेरा का शेयर प्राइस 2000 लेवल्स के आसपास था, जो कि मई मंथ में बढ़ के 2500 लेवल्स तक गया। एट प्रेजेंट ये 2200 पे ट्रेड कर रहा है। कोरोना के पैनिक सेलिंग की वजह से जितने भी अच्छे कंपनीज के शेयर्स के प्राइस गिरे थे वो सब लास्ट कुछ वीक्स में अच्छे खासे बाउंस बैक हो चुके हैं, बट अपने खराब रिजल्ट के वजह से सेरा का शेयर प्राइस अभी भी अपने 52 वीक लो के आसपास ही है। कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में खराब हुआ है और अब लॉकडाउन के वजह से जून क्वार्टर का रिजल्ट भी खराब ही रहने वाला है, तो शेयर का प्राइस कुछ टाइम तक अंडर प्रेशर रह सकता है। लोअर साइड में 1900 और 1500 लेवल्स शेयर के लिए बड़े सपोर्ट्स हैं एंड अपर साइड में 2750 से 2900 के लेवल्स शेयर के लिए रेसिस्टेंस का काम करेंगे। अब कंपनी और इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं। सैनिटरी वेयर सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन काफी हाई है। 45% से ज्यादा का मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। सेरा मेनली अफोर्डेबल मिड एंड प्रीमियम सेगमेंट पे फोकस करती है और इन सेगमेंट्स में ही अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है। इस वजह से सेरा को दूसरे कंपनियों की अपेक्षा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। लग्जरी सेगमेंट में सेरा का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है और सेरा इस सेगमेंट को केटर करने के लिए दूसरे फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करती है। इस वजह से लग्जरी सेगमेंट में सेरा के कॉम्पिटिटर्स काफी आगे हैं। इसके अलावा अब इंटरनेशनल कंपनीज भी इस सेगमेंट में एंटर कर रही है, तो इस सेक्टर में आने वाले समय में कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा। पिछले कुछ सालों में स्वच्छ भारत मिशन के वजह से अफोर्डेबल सैनिटरी वेयर्स का डिमांड बढ़ा, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आए स्लोडाउन के बावजूद सेरा अपना सेल्स मेंटेन रख पाई। बट अगर आगे भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्लोडाउन रहता है तो सेरा को अपने सेल्स और मार्जिन मेंटेन करने में काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। 2019 एनुअल रिपोर्ट के अनुसार सेरा के 6 सब्सिडरीज और एसोसिएट्स हैं, जिनमें से सेरा ने अपने शारजा बेस्ड एसोसिएट का बिजनेस ऑपरेशंस 25 अगस्त 2019 से बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड का छोटा सा एनालिसिस। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, इसलिए मैं इसमें आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दूसरे इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।